तो ठीक हो ना आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एयरटेल S23 प्लस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहिए कि नहीं। इस पर मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट पर्सनली मेरे दोस्त ने भी पूछ लिया कि यार इस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहिए कि नहीं। तो मुझे लगा कि आप लोग भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि ये स्मार्टफोन जो भी देखता है उसका ध्यान यहीं पर अटक जाता है। और अगर आप इस स्मार्टफोन को ख़रीदते हो तो आप लोगों को किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा ये भी बताऊँगा। तो इसके कुछ ज़रूरी फीचर्स जान लेते हैं, फिर मैं बताऊँगा कि ख़रीदना चाहिए कि नहीं। और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो 6.78 इंच का आप लोगों को 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। 6 महीने तक का आप लोगों को फ्री रिप्लेसमेंट भी मिल जाता है। इसमें आप लोगों को 8GB रैम मिल जाता है, 256GB रोम। तो रोम के अंदर भी आप लोगों को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों को 5000mAh का बैटरी इसमें मिल जाता है, 18W का चार्जर। और अगर कैमरा की बात करें तो इसमें आप लोगों को पीछे के साइड में 50MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, और 32MP का आप लोगों को पंच होल में सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसमें आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, डायनामिक बार भी मिलता है जो कि आईफोन में आया था। तो अब बात कर लेते हैं कि इस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहिए कि नहीं, इसे खरीदने से कोई प्रॉब्लम वगैरह होगा क्या। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जो लोग गेमिंग करना नहीं चाहते हैं, मतलब सिंपल नॉर्मल वगैरह काम अगर आप करते हो तो इस स्मार्टफोन को ले लो, आपको कोई भी दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हैंग करेगा, क्योंकि इसमें जो आप लोगों को चिपसेट देखने को मिलता है ना यूनिसॉक्स T616 का, वो उतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है। अगर मैं आप लोगों को नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो इस प्रोसेसर को यूज किया जाता है 8 से लेकर के 12 हज़ार वाले स्मार्टफोन के बीच में, और ये 14 हज़ार के प्राइस वाले स्मार्टफोन के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को डिज़ाइन चाहिए अच्छा, देखने में अच्छा चाहिए, और मतलब फीचर्स आप लोगों को पूरा यूज करने हैं, तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो, दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा कभी कभी हैंग करेगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये स्मार्टफोन 5G नहीं है, तो 5G सोच के मत ले लेना। और एयरटेल वाले काम बहुत अच्छा किए हैं, क्योंकि इस प्राइस में आप लोगों को ऐसा फीचर्स देखने को नहीं मिलता था, बट एयरटेल वाले किए हैं। प्रोसेसर आप लोगों को थोड़ा कम दामी देखने को मिल जाता है, बट कोई नहीं, चलेगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हैंग करेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।